सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक तस्वीर शेयर कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए लिखा, ठोको नीति के तहत अब गरीबों तक को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल प्रयागराज जिले में गुरुवार को पुलिस व प्रशासन पर निषाद समाज के लोगों ने नवों को क्षतिग्रस्त करने और पिटाई करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने ईंट पत्थर लाठी डंडा लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके समर्थकों तथा भाजपा नेता पीयूष रंजन निषाद को भी बसवार गाँव से खदेड़ दिया। अखिलेश यादव ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने लिखा, प्रयागराज में भाजपा सरकार ने निषाद समाज की नावें तोड़कर उनके पेट पर लात मारी है। भाजपा सरकार तत्काल निषाद समाज से माफी मांगे और रोजगार के लिए नई नावें दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने डायल 100 जैसी सुविधाएं निष्क्रिय कर दी है। ठोको नीति के तहत अब गरीबों तक को निशाना बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नैनी कोतवाली के मोहब्बतगंज ठकुरी का पुरवा और घुरपुर थाना क्षेत्र के बसवार गांव में गुरुवार 4 फरवरी को एडीएम प्रशासन विजय शंकर द्विवेदी की अगुवाई में पहुंची पुलिस टीम ने यमुना घाटों पर डंप की गई हजारों टन बालू जेसीबी मशीन से नदी में फेंकवा दी थी। इस दौरान तोड़फोड़ कर नई नाव को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। आरोप है कि जब गांव के लोग रोकने गए तो उनकी पिटाई की गई। इसे लेकर क्षेत्र के मजदूरों में भारी गुस्सा है। पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर की गई सख्ती के विरोध में शुक्रवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके समर्थकों तथा भाजपा नेता पीयूष रंजन निषाद बसवार गांव पहुंचे। नेताओं को गांव में देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उनके साथ धक्का मुक्की की। इतना ही नहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने हाथों में ईंट पत्थर लाठी डंडा लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।